प्रिंट एंड व्यूइंग का जो सेशन है, इस सेशन में हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे कि आप अपने डेटा को कैसे प्रिंटिंग के लिए तैयार करेंगे या व्यू के लिए तैयार करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्यू पहले हम व्यू के क्लियर कर लेते हैं, देन हम प्रिंटिंग पे जाएंगे। जैसे कि आपने भी पूछा कि जैसे मैं कर्सर नीचे डाउन करूं तो मेरा हेडिंग ऊपर होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज कि अगर डेटा आपका जो आपका वर्टिकली जो है आपका एक पेज पे है, तो वर्टिकली एक पेज पे है तो आप नीचे वाले रो को सिलेक्ट करो और व्यू में जाके फ्रीज पेंस कर दो। ठीक है, फ्रीज पेंस करने से क्या होगा कि अब आपका डेटा हिडन हो गया, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें यहाँ पे नेम है और यहां पे मान लीजिए कि डेट है, राइट। और यहां पे मैं दे देता हूं पुनीत, नीचे नहीं ऐसे पी कर देता हूँ ना, सही रहेगा। अटेंडेंस मान लीजिए ना, अटेंडेंस इज लाइक है, जी अब मुझे इसको फ्रीज करना है। तो प्रॉब्लम है कि अगर मैं रो को सिलेक्ट करके फ्रीज कर दूंगा, तो यहां पे मैंने लिया और रोज को फ्रीज फ्रीज कर दिया, तो नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये तो गुड दिख रहा है क्या? जी लेकिन अगर मैं इसको साइड में ले आऊं तो फिर ये आपका नाम हट गया। मुझे ये पता करना होगा कि ये किसको किसका है, तो नेम तो पता नहीं चल रहा है ना, ये तो पता चला है कि 4 अगस्त का है, लेकिन पर्सन कौन है वो पता नहीं चल रहा है। तो जो आपका डेटा बिल्कुल वर्जन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों केसेस में आपको फ्रीज करना है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में आप जैसे जहां पे फ्रीज करना के नेम होना चाहिए उस पे कर्सर रखिए, सिर्फ ओनली फॉर यहां पे मुझे इस कॉलम को इस रो को फ्रीज करना है, ये एक कॉलम एंड वन रो। उसके बाद मैं यहां पे जाता हूं फ्रीज पेंस पे क्लिक कर देता हूं। अब मेरा डेटा दिख रहा है आपको सर? ठीक है, अगर पूछिए क्या पूछ रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैं समझ गया, आपने B2 सेल में कर्सर रखा था। मेरा क्वेश्चन है कि हम इसको अगर मान लीजिए मैं C2 में रखूं या D2 में रखूं तो भी हो जाएगा या मुझे B2 में रखना पड़ेगा? D2 में अगर आप रखते हैं तो क्या हुआ, फिर आपका इतना एरिया फ्री हो जाएगा ना। अच्छा, ये आपने देख लो लाइनिंग नहीं दिख रहे हो, लाइनिंग कि आपका फ्रीज ए और एक कॉलन हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और बहुत सारी चीजें हुई जो आपको देखना पड़ता है, तो उस केस में उस पर रखो जहां से डेटा आप नहीं, इंस्टॉल करोगे। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं, समझ गया, वो D2 में अगर मैं रखता तो क्या फ्रीज होता? D2 में अगर आप रखते तो डी से ABCD एंड रो वन कॉलम फ्रीज हो जाता। ABC और देखिए अब दिख रहा है सवाल, तो चला कुछ अब हाँ, 3 कॉलम और 2 रो आपके फ्रीज नीचे हो गए। कीजिए। ठीक है, तो मतलब जिसको फ्रीज करना है उसका अगले कॉलम पे रखना पड़ेगा, उसके अगले उस पे रखना पड़ेगा, चाहे वो राइट, रो है या अगला सही कॉलम है सही ना? समझा आपने, सही समझा आपने। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इंसर्ट करके, जैसे ये डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा को इंसर्ट कीजिए और टेबल फॉर्म में क्लिक कर दीजिए। तो टेबल फॉर्म में क्लिक करने से फायदा क्या होता है कि जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे ना, इसमें आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका बाय डिफॉल्ट फ्रीज होता है। और अगर आप उसको
उस तरफ स्क्रॉल करेंगे राइट की तरफ तो दिक्कत आएगी। एक मिनट में देख लेता हूँ, हो गया। अब जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, हाँ तब दिक्कत आ रही है ना, आप नहीं देख रहा। अब इसका एक और फायदा देखिए सर, यहाँ ऊपर आपको एबीसीडी दिख रहा है ना, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप कुछ को कुछ पता चला आपको, कुछ कुछ ध्यान में आया क्या हुआ? एबीसीडी गायब हो गया, एबीसीडी की जगह पे हेडिंग आ गया। तो एक इंटरव्यू में हमारे किसी स्टूडेंट से पूछा था ये सवाल कि क्या तुम एबीसीडी को बदल के इसका रैम नेम अरे कर सकते हो, इसका टाइटल डाल सकते हो इस पे? तो तरीका है, ठीक है, लेकिन अगर आप आगे की तरफ ड्रैग करो तो मुश्किल है। तो उसके लिए टेबल टूल्स में, अगर टेबल टूल्स पर आप जाते हो तो यहां पे फर्स्ट कॉलम नहीं, फिर भी नहीं आता है, नहीं फिर आपको वही करना पड़ेगा, फ्रीज वहीं से करना पड़ेगा, फिर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बोल्ड कर देता है लेकिन फ्रीज आपको वहीं से करना है, राइट? ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पार्ट्स में आ गया जी हाँ। फ्रीजिंग के बाद एक और, इसमें एक और तरीका है इसके लिए, जैसे कि कभी कभी जरूरत क्या पड़ती है हमें कि मान लीजिए कि हमें कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं, उसके लिए हमारा कुछ एरिया, मान लीजिए ए एरिया हमारा फिक्स है, तो हम कैलकुलेशन करें तो हमारा इतना एरिया हमेशा टॉप पे दिखना चाहिए, क्योंकि इसके देख के मान लो कोई कैलकुलेशन कोई होती है ना, स्लैब वगैरह होता है जो मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केस में, तो उसमें आप अगर व्यू में जाए तो व्यू में आपको मिलेगा स्प्लिट, स्प्लिट, ओके एक मिनट गलती हो गई, स्प्लिट यहां पे था ना, मैं स्प्लिट इसको हटा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे कर्सर रख दिया और यहां कर्सर रख के मैंने यहां पे स्प्लिट कर दिया, और इसको आप वहीं पे मूव भी कर सकते हो, तो या मान लो कि मुझे इसको हटाना, एरी रखना है, इसको हटा दीजिए। अब इसका दो विंडो हो गए, इसका अलग विंडो है और इसका अलग विंडो, यहाँ अगर मूव करते हैं वहां अगर अलग मूव करते हैं, तो स्प्लिट इसके लिए हम करते हैं। अच्छा वो मूव नहीं कर रहा वो राइट वाला, आप ये कह रहे हैं? आई थिंक नहीं मूव करता है, आप कुछ टाइप करिए वहां पे पता चल जाएगा, मूव तो कर रहा है, इसमें क्लिक करिएगा तो मूव करता है, मतलब तो दो अलग अलग विंडो हो जाता है, दिख रहा है ना, दो विंडो अलग अलग है, स्प्लिट दो विंडो में बांट जाता है। फिर भी अगर आप चाहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक और तरीका है इसका, वो है न्यू विंडो, इसी की एक और विंडो आप बना लीजिए, तो देखा है डेटा टू आ गया यहाँ पे डेटा वन, तो एक ही फाइल के दो विंडो हो गए हमारे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, व्यू में होता है सर न्यू विंडो, उसके बाद इसको आप अरेंज कर लीजिए, अरेंज में इसको टाइटल कर लिया, देखिए अब आपका मूव नहीं करेगा, लेकिन है ना, इसका बेनिफिट क्या है बॉस? बेनिफिट आपका यही है कि जैसे कि होता क्या है कि एक सीट पे अगर हमें डेटा, मान लीजिए कि एक एरिया है, मान लीजिए मुझे एक एरिया है, इस एरिए को हमें देख के कहीं और एरिया पे काम करना है, या ऊपर की चीजें कॉपी करके नीचे पेस्ट करनी है, बात समझ रहा है कुछ? तो बार बार आपको ऊपर जाना पड़ेगा, मान लो कि मुझे यहाँ जो डेटा है इसको कॉपी करके और मुझे इसके सबसे लास्ट में पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको एक एक करना है, मान लीजिए एक साथ करना तो एक बार हो जाएगा ना, फिर इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर इसको यहाँ आओगे, फिर पेस्ट करोगे, तो टाइम कंज्यूम होगा ना, तो ऐसे एक ही फाइल के दो विंडो बना लीजिए और फिर इसको इसको नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कीजिए यहाँ पेस्ट कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए यहाँ पेस्ट कीजिए, समझे?
तो आपका टाइम काफी बचता है। तो फिर ये न्यू विंडो यूज करें या स्प्लिट भी करें आपके हिसाब से? आई थिंक न्यू न्यू विंडो विंडो मैं तो बेटर रहेगा। खासकर न्यू विंडो यूज करता हूँ। न्यू विंडो में फायदा ये है कि जरूरी नहीं कि एक ही फाइल के दो विंडो हो, इसमें एक फायदा एक और होता है कि एक साथ कई सारे फाइल के को भी एक्सेस कर सकते हैं, समझ गए ना। जब दो तीन फाइल हो बार बार आपको अल टाइप करना हो तो अल टाइप से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। दो फाइल, वो फाइल वाला करके कैसे करेंगे बताएंगे सेम जरा ही वो, होगा, सेम ही जैसे होगा कि दो आप फाइल। फाइल ओपन कर लीजिए ना, अलग अलग फाइल, दो फाइल ओपन कर लीजिए जैसे। जैसे मैंने दो फाइल मैं कर लिया, न्यू कर लिया ना, एक बार ब्लैंक शीट है, एक फाइल है, दोनों फाइल ओपन हो गई। अब जो एक है व्यू में जाइए एंड यहाँ पे अरेंज, ओके, ठीक है। अच्छा, एक ही सीट पे आप दो विंडो खोल सकते हैं, राइट। जी अब चलिए प्रिंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंटिंग, अगर मुझे इस फाइल का प्रिंट निकालना है तो क्या करें? तो प्रिंट के लिए सबसे पहले तो प्रिंट प्रीव्यू जाए, आप यहां देखते हो प्रिंट, और यहां से सबसे पहले आप नंबर ऑफ कॉपीज को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जी यहां पे आप अपना प्रिंटर सेट कर सकते, राइट। यहां पे आप को प्रिंट क्या करना है कि प्रिंट एक्टिव सीट या एंटायर वर्कबुक या फिर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन जो कि प्रिंट से पहले सिलेक्ट कर रखे। जैसे मान लीजिए ना कि हमें प्रिंट करते समय मुझे पूरा एरिया नहीं करना है, मुझे बस इतना एरिया प्रिंट करना है, तो सिलेक्शन और प्रिंट का कमांड देते समय, जब भी आप प्रिंट का कमांड दोगे देते समय आप यहां पे सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करोगे तो फिर उतना ही एरिया ही प्रिंट पे आपका सिलेक्ट होगा, राइट। या फिर प्रिंट में कोई पर्टिकुलर पेज आप देना चाहते हो कि 1 से 10 तक या 20 तक पूरा पेज दिख रहा है, तो वो होता है। फिर आता है कुलेट। कुलेट मतलब जैसे मैंने दे दिया 1 से लेके 5 पेज तक प्रिंट होगा, राइट, और मैंने बोला कि हर पेज के 5 कॉपी करेगा, तो 3 कॉपी करेगा। तो कुलेशन क्या है कि पहले 1 2 3 से 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, या फिर एक पहली पेज को 5 बार प्रिंट करेगा, फिर दूसरी को 5 बार प्रिंट करेगा, फिर तीसरी को 5 बार प्रिंट करेगा, वो यहां से सेट कर सकते हो आप कुलेशन में। कि अगर 1 2 3 मतलब कि हर जितना कॉपी दोगे तो पहले हर एक कॉपी का हर को पहले पहले सेट बाय सेट निकालेगा, 1 से 5 तक, फिर 1 से 5 तक, फिर 1 से 5 तक, समझे। 15 पेज को जी प्रिंट करने हैं तो 15 पेज में क्या हुआ कि 1 से लेके 5 पेज तक एक कॉपी निकाल देगा, 1 से 5 से दूसरी कॉपी, फिर 1 से 5 से तीसरी कॉपी। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं अनकोलेटेड, तो अनकोलेटेड में क्या हुआ कि अनकोलेटेड में आपका ये होगा कि एक की पहले 5 कॉपी निकाल, 3 कॉपी निकाले, या फिर 2 की 3 कॉपी, फिर 3 की 3 कॉपी, फिर आपको उसको सिक्वेंसली अरेंज करना पड़ेगा, समझे। जी तो इसका यूज कब, अनकोलेटेड का यूज कब करते हैं, जब मान लीजिए ना कि एक एक पेज का 100 100 कॉपी निकालना है, अच्छा 200 200 कॉपी निकालना है, तो बंच में दिक्कत नहीं हो जाएगा कि उनसे कॉपी पूरा है कि नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। नहीं, ये समझ नहीं है, ये अनकोलेटेड कब यूज करेंगे? जैसे आपको 5000 पेज प्रिंट करना है, 10 पेज है, 10 पेज है, हर पेज की आपको जो है 500 500 पेज प्रिंट करना है, बात समझ में आया। तो दिक्कत क्या है कि जी प्रिंटर तो पेज प्रिंट करने में टाइम लेगा थोड़ा सा, हो सकता है कोई पेज फंस गया, कोई पेज सही से प्रिंट नहीं किया, या हो सकता है कि किसी में कार्टेज खत्म हो गई, तो दिक्कत क्या होगी कि अगर बंच बाय बंच निकलेगा तो आपको 5000 पेज को चेक करना पड़ेगा कि हर किसी में 500 पेज है कि नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। लेकिन अगर इसमें होता है कि हर पेज की 5 5 सौ कॉपी आपने निकाली, उसके बाद आपने उसको आराम से कैलकुलेट कर लिया मैन्युअली, लेकिन
नहीं, लेकिन आप ये देखो ना, चाहे वो एक पेज को 500 बार प्रिंट करे, उसमें भी तो मिस कर सकता है ना, हो सकता है उसमें मिस, वो वही तो एक बोल रहा हूँ कि कॉपी। मिस कर सकता है, तो उसको मैन्युअली आप बाद में एक एक रखोगे ना, 10 पेज है तो आप एक 10 पेजों को बांटोगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, क्योंकि तो वो अलग अलग बंडल निकाल दिया ना, तो जब उसको आप पेज पंच करोगे तो 100 कॉपीज में से 100 कॉपीज में से 100 कॉपीज में से 100 गिन के निकालोगे, तो आप 100% हाँ, एक एक सर्टिफाइड, निकाल। हाँ सर्टिफाइड रहोगे कि हर पेजेस में बराबर है, समझे? तो चेक करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन कुलेट करना आसान पड़ेगा, समझे ना? जी इसलिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है पोर्ट्रेट, कि आप पेन को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं। पेपर की साइज, कि आपकी पेपर की साइज क्या है, A4 है या लेटर है। लेटर हेड की पेज है तो लेटर है, A4 है तो आप A4 सेलेक्ट करो। क्या लीगल है? मार्जिन, जैसे कि आपका मतलब कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कितना काटेगा, तो मार्जिन यहां से सेट कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब अगर आपके पास हिडन फुटर है तो फिर तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास हिडन फुटर नहीं है तो आप ये नैरो सेलेक्ट करो। या फिर मान लीजिए ना कि आपकी कोई लेटर हेड प्रिंट कर रहे, लेटर हेड में टॉप से कुछ जो आपकी लेटर हेडिंग होती है लेटर हेड की, वो छोड़ना है, तो कस्टम में जाके आप यहां से अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना परसेंट मार्जिन रहना चाहिए, किसके लिए, लेटर हेड की हेडिंग के लिए। बॉटम हटा दो, बॉटम में नहीं है कुछ तो ठीक है। उसके बाद स्केलिंग, तो नो स्केलिंग या फिर फिट फिट साइज टू वन पेज, फिट कॉलम इन द ऑन पेज, फिट रेंज ऑन द वन पेज, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बाहर आइए। अब जैसे कि इसी पे देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक पेज में व्यू नहीं है, यहां पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आप आइए, राइट? तो देखिए हॉरिजॉन्टली ये जो है एक पेज, दो पेज, तीन पेज, तीन पेज में, ठीक है ना? अब इसको आपको चाहिए कि फिट हो जाए एक पेज में, ये तो तो पेज 9 दिखा रहा है, ये तो वन। पेज 9 तो यहां पे भटकली भी तो है, आया समझ में? मैं हॉरिजॉन्टली नहीं, आप काट कह रहे हैं रहा ना, मैं हूं, मैं हॉरिजॉन्टली मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी का अटेंडेंस निकाल रहा हूं तो अबे पूरा 1 से लेकर 100 तक का डेट एक ही पे आना चाहिए ना, 31 तक का डेट एक महीने का एक ही पेज पे आना चाहिए ना, लेकिन ऐसे 3 पेज पे निकलेगा ना वो, नहीं देख रहे हम? जी हाँ, तो इसको सही कैसे करते हैं? तो इसको हाँ, सही करने ठीक के लिए सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते हैं। ऑटो फिट करने से फायदा क्या होता है कि आपकी जो स्पेसेस, अनरिक्वायर्ड स्पेसेस होती है कॉलम की साइज, वो छोटी हो जाती है। जितना बड़ा कॉलम की साइज चाहिए उतना बड़ा कॉलम की साइज रख लेता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिर भी आपका हेडिंग बड़ा है, देखिए आप हेडिंग बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहां पे जाऊंगा, कहां पे हेडिंग इसमें हम रोटेट कर देंगे इसको, तो रोटेट करने में भी आसान हो गया। अब इसको डबल क्लिक कर देते हैं, थोड़ा कम गया, फिर भी देखिए नहीं कम तो गया, लेकिन ऑटो फिट क्यों नहीं रहा इसमें? अच्छा कॉलम रो छोटा है, ठीक है राइट? ये एक बार दोबारा बता देंगे, सॉरी। कुछ नहीं किया सर, मैं इसको सिलेक्ट करके यहां इसमें वर्टिकल में रोटेट कर नहीं, दिया, और नहीं, मैं ये रो कह को रहा बड़ा हूँ। किया, रो को बड़ा कर दिया मैंने, रो को थोड़ा सा बड़ा किया, तो ये डेटा आ गया पूरा, सही दिख रहा है?
पहले आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करके ऑटो फिट किया ना, सबसे पहले आपने क्या हाँ, किया? मैंने ऑटो फिट किया, सेलेक्ट करके ऑटो फिट किया, उसके बाद इसको मैंने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद फिर दोबारा ऑटो फिट किया, उसके बाद हमने रो की साइज थोड़ी सी बढ़ाई ताकि हेडिंग मेरा ऑटो फिट कहाँ से? सराउंडिंग। डबल क्लिक करना ऑटो होता फिट कहाँ? है, जस्ट डबल क्लिक कीजिए, कॉलम डिवाइडर पे सिलेक्ट करके ऑटो फिट हो जाता है। इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर भी हमारा एक पेज में फिट नहीं है, दो पेज ले रहा है, ले रहा है। तो इसमें एक और चीज करेंगे कि हम अपना पेज लेआउट में जाते हैं और पेज लेआउट में हमारा जो साइज है इसका, किसका साइज में ओरिएंटेशन है, इसको लैंडस्केप कर दे, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट चेक कर लीजिए, पोर्ट्रेट तो नहीं है, पोर्ट्रेट की जगह पे हमने लैंडस्केप कर लिया, मार्जिन सेट कर लिया, मार्जिन कौन सा है, थोड़ा सा नैरो मार्जिन कर देता हूं, तो थोड़ा सा और बढ़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, इसमें मुझे करना है कि नहीं, एक पेज में फिट होना चाहिए, तो यहां पे स्केल देखिए, स्केल में विड्थ दिख रहा है, ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक के जगह पे मैंने इसको कर दिया फिट वन पेज। तो इससे क्या हुआ कि हट गया ना, एक पेज पे फिट हो गया। तो नतीजा क्या हुआ कि नतीजा ये हुआ कि इसकी जो प्रिंटिंग साइज है, इसका जो प्रिंटिंग साइज करते समय जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। एक और दिक्कत आ गई कि मैंने यहां पे लाइनिंग नहीं डाली हुई है, और मुझे डेटा में लाइनिंग नहीं डालना है लेकिन प्रिंटिंग में लाइनिंग चाहिए, जो बॉर्डर है प्रिंटिंग में चाहिए लेकिन मैं डेटा में नहीं डालना चाहता, तो ग्रिडलाइन में यहां पे आपके साथ दिखता है प्रिंट, ग्रिडलाइन व्यू एंड प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए कि प्रिंट व्यू करते समय आपको यहां पे लाइनिंग, डॉट की लाइनिंग दिख रही है, तो डॉट की लाइनिंग आपको दिखेगी, राइट। ये हो गई दूसरा कि अभी तीन पेज में है, राइट। तो ये हर पेज, एक पेज पे हमारा हेडिंग दिख रहा है, बाकी पेज पे हेडिंग नहीं दिख रहा है, तो बाकी पेज पे हेडिंग के लिए क्या करेंगे कि हम प्रिंट, यहां पे जाएंगे प्रिंट टाइटल, पेज लेआउट पे हमारा प्रिंट टाइटल है, प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और यहां पे प्रिंट एरिया दिख रहा है आपको, और प्रिंट टाइटल के नीचे आपका आता है रिपीटेड रो, तो रिपीटेड रो को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर लिया। अब इससे क्या होगा कि ये आपका हर पेज पे ऊपर जो डेट है वो हर पेज पे आएगा, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने स्केल टू फिट कर दिया तो मेरा 74% व्यूइंग छोटा हो गया, मतलब ये हो गया, भाग गया, मतलब कि वही आपका 26% पॉइंट छोटा हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े फाइल होगा आपको तो प्रिंटिंग व्यू बहुत छोटा हो जाएगा, विजिबल नहीं रहेगा, तो आपको वर्टिकली भी दो पेज में प्रिंट करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको कर दूं 100 पे, ऑटोमेटिक कर दूं, तो ऑटोमेटिक में मैं यहां पे स्केल इसका 100% कर देता हूं, तो दो पेज में मुझे प्रिंट करना ही पड़ेगा। तो प्रिंट टाइटल में आप क्या कीजिए, कॉलम रिपीटेड में इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इससे क्या ये क्या हो, किया हमने? मैंने प्रिंट में गया, कॉलम रिपीटेड में हमने इसको सिलेक्ट, रो रिपीटेड में तो मतलब कि वर्टिकली जो था वो प्रिंट कर रहा था ना, रिपीट कर रहा था रो, लेकिन अभी क्या है कि हमारा हॉरिजॉन्टली में दो पेज हो गया ना, कि 1 से लेके 22 तारीख तक की एक पेज पे आएगा और 23 से 31 तक दूसरे पेज पे आएगा। तो अगर हम ये काम ना करें, मान लीजिए ये है, मान लीजिए कि मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो इस समझ में आना मुश्किल हो जाएगा ना कि प्रिंट अगर मैं इस पे करूं, प्रिंट करूं तो ये तो दिख रहा है आपको, 22 तारीख तो दिख रहा है, 23 24 24, अबे तो यहां पे रिपीटेड रहेगा तभी तो यहाँ नेम दिखेगा, नेम अगर नेम नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, तो नेम कैसे नहीं आया, देखिए, मैंने प्रिंट टाइटल में ये ले लिया, अगर मैं अगर इसको हटा दूंगा तो नेम नहीं दिखेगा, दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा
ये तो हो गया, चलिए ठीक है। अब नीचे देखिए ग्रीन लाइन प्रिंट है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लिक कर लीजिए। एबीसीडी जो ऊपर आता है रो की हेडिंग प्रिंट करना है तो नीचे सिलेक्ट कर लीजिए। ड्राफ्ट क्वालिटी मतलब कि आप चाहते हो कि पिक्चर प्रिंट ना हो तो ड्राफ्ट क्वालिटी। और दूसरा कि प्रिंट कैसे कर रहा है, देखिए इसका पेज की काउंटिंग कैसे है। पेज की काउंटिंग है कि पहले हॉरिजॉन्टली चल रहा है कि पहले इसको प्रिंट करेगा, दैट इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। या दिख रहा है ना कि ऐसे आएगा लाइन में लाइन कॉलम बाय चले। तो इसको कर दीजिए ओवर देन डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओके करते क्या हो जाएगा। अब देखिए जो पेज 5 था वो 2 हो गया कि 1 2 3 4। तो इससे कैलकुलेशन में दिक्कत, कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी ना सर आपको। नहीं तो ऐसे अगर नहीं करते आप, अब मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो क्या होता। अगर मैं प्रिंट में जाऊं और मैं ये चीज इसको ये ले दूं तो क्या होगा, अरेंज करने में दिक्कत होगा कि ए और फिर इसकी पांचवा पेज इसके बगल में करके इसी के नीचे इसको पंच करोगे ना आप, तभी तो समझ में आएगा। जब प्रिंट आउट निकालोगे तो 1 से लेके 22 तक ये यहां दिखेगा। तो 23, अब 23 के लिए छठे पेज भी उसको जाना पड़ेगा। हाँ, उसको लेट करने में इजी हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे हम ए सिलेक्ट करते हैं। ओवर देन डाउन, राइट। अब आपका पेंट आएगा, क्लियर है जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो ये आपका सारा से सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। अब बात करते हैं हीडर एंड फुटर की, कि मैं चाहता हूं कि हर पेज पे कोई हीडर डाल, पेज 1 पेज 2 जैसे पेज नंबर डालना है, कुछ डालना है, तो आपको यहां पेज टाइटल में जाएंगे तो इसी में आपको दिखेगा हीडर एंड फुटर, ठीक है ना। तो एक तो बाय डिफॉल्ट हीडर है जैसे पेज नंबर, पेजेस 1 पेज 1 ऑफ 2 ऑलरेडी है कॉन्फिडेंशियल, ये चीज डाल सकते हो, या सेम फुटर में आप सेम चीज डाल सकते हो पेज नंबर। लेकिन नहीं, नहीं मुझे कस्टम, मैं अपने हिसाब से डालना चाहता हूं, तो कस्टम हीडर। कस्टम हीडर में देखिए क्या है, इसके 3 सेक्शन है कि लेफ्ट में दिखाना है या राइट में या सेंटर में। क्या दिखाना है, कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर टाइप करना चाहते हो फॉर्मेटेड वर्ड, तो यहां पे वर्ड लिख के इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया रिपोर्ट, ठीक है। तो इसकी कलर वलर चेंज करना चाहते हो तो यहां से इसकी सारा चीज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं। या पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर डाल सकते हो, तो 1 2 3 4 5 ये दिखेगा। अगर इसमें मैं ऑफ कर दूं और यहां पे पेजेस, तो इससे होता है जैसे टोटल अगर 6 पेज है आपका तो 1 of 6 2 of 6 3 of 6 ऐसे दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, सॉरी, 1 of 6 2 of 6 3 of 6 4 of 6। कौन सी ऑप्शन लेने से ऐसे दिखेगा, 1 of 6 2 of 6। ये पेज हो गया, पेज नंबर, फिर ऑफ लगा लो और ये पेजेस, जितने नंबर ऑफ पेजेस होगा वो आ जाएगा। अच्छा। फिर डेट इंसर्ट करना चाहते हो, टाइम इंसर्ट करना चाहते हो, फोल्डर का पाथ, ये फाइल कहां से, उसका पाथ चाहिए या सीट का, फाइल का नेम चाहिए या सीट का नेम चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर पिक्चर चाहिए, ठीक ये आप सेट कर सकते हो, राइट, ठीक है। यहां पे तो पेज की सेटिंग हो गई, ये आपकी मार्जिन की सेटिंग हो गई, हेडर फुटर की सेटिंग हो गई और शील्ड की सेटिंग हो गई, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं जैसे कुछ लोग वाटर मार्क रखते हैं कि प्रिंट करते समय प्रिंट में वाटर मार्क आ जाए। वाटर मार्क समझते हैं क्या होता है? हाँ, वो जो बॉन्ड पेपर में होता है जैसे, या वन पेज 1 देते वाटर मार्क है लेकिन प्रिंट में नहीं आता, ये आपको सिर्फ दिख रहा है बट प्रिंट में नहीं आता है। आप चाहते हैं कि प्रिंट में आपका कोई ऑन पेपर मार्क ये आ जाए, वाटर मार्क आ जाए, तो यहां देखिए आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वाटर मार्क।
वाटरमार्क रहा? तो वाटरमार्क एक तो है कि कॉम्पिटेंशन रहा प्रोजेक्ट कुछ डू नॉट कॉपी या ये तो बने बनाए हैं, अगर इसमें नहीं चाहिए तो ऐड और डिलीट पे क्लिक कीजिए और अपना वाटरमार्क दे सकते हैं या कोई पर्टिकुलर फाइल दे सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं जैसे पिक्चर वगैरह है तो हर पेज पे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर इसकी सेटिंग करते हैं तो सिर्फ इस फाइल के लिए नहीं, जितनी भी प्रिंटिंग होगा हर फाइल के लिए होगा, तो सोच समझ के इसकी सेटिंग करें। ठीक है, जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ, अब इसमें प्रिंटर में एक और सेटिंग आती है, बोथ साइजिंग प्रिंटिंग। बोथ साइज प्रिंटिंग समझते हैं क्या होता है? टू पेज के साइज। दोनों तरफ। तो इसके लिए एक तो ऑटोमेटेड प्रिंटर होता है, अपने बात में क्या होता है, ऑटोमेटेड प्रिंटर होता है। लेकिन टू साइड प्रिंटिंग अगर एचपी वगैरह का प्रिंटर है उस पर कीजिएगा एंड ओके कीजिएगा, तो पहले क्या करे हो कि पहले वो ऑड नंबर प्रिंट करेगा, फिर पेपर पलट के लगा दीजिए, फिर वो इवन नंबर को प्रिंट कर देगा। जैसे एक दो, तो एक प्रिंट नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, तीन करेगा, फिर पांच करेगा, फिर जब प्रिंट करेगा तो फिर क्या करेगा वो फिर तीन करेगा, तो अपने आप बोथ साइडिंग हो जाते, बोथ साइड हो जाता है। तो आपको बोथ साइड पे क्लिक करना है, जब ये एक बार प्रिंट होकर रुक जाएगा फिर वो कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, फिर आप प्रिंट अपना पेपर को पलट कर, जो प्रिंट निकल चुके हैं उस पेपर को पलट कर लगा दीजिए और फिर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए, तो आपको फिर उसके अंदर प्रिंटिंग आ जाएगा। तो 50% प्रिंट जो है आपका बच जाता जी है, राइट। लेकिन एक ऑटोमेटेड प्रिंटर भी होता है जो बोथ साइड प्रिंट करके ही देता है, तो जरूरी नहीं कि ऑटोमेटेड प्रिंटर नहीं है तो बहुत सारी प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जरूरी है क्योंकि जब बड़े बड़े फाइल, जब बहुत सारी प्रिंटिंग करने का दो फायदा, एक तो पेपर सेव होता है और पेपर सेव करना बहुत जरूरी है, दूसरा फायदा होता है कि अब जैसे 100 फाइल 100 पेज का कोई आपने कुछ बनाया तो एक हेवी हो गया ना, उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। वो जब 50 पेज का हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, कैरी आसान हो जाएगी। जिसमें मैनुअल होता है उसमें आपने बताया भी जैसे उसने प्रिंटर इवन या सेटिंग ऑड में पहले प्रिंट प्रिंट, कर ली है। हाँ नहीं, वो तो आप कर सकते हो मैनुअली, लेकिन इसमें सेटिंग होता है, जैसे टू साइडिंग है बोथ साइड में प्रिंटिंग होता है, प्रॉपर्टीज में जाकर सेट कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक वो बोथ साइड प्रिंट करेगा। तो पहले और प्रिंट करके मान प्रिंटर रुक जाएगा, सुनिए, और प्रिंट करके प्रिंटर रुक जाएगा, फिर पलट के लगाए कंटिन्यू कीजिए, फिर वो पीछे का प्रिंट कर देगा। लेकिन लगाते हुए सीक्वेंस सही होनी चाहिए पेपर्स की, नहीं तो नहीं, उससे वो जैसे मतलब वन नहीं, के वो भी। प्रिंट ही सिक्वेंसली उसी ही सिक्वेंस में करता ही है, आपको जस्ट उसको पलट के लगाना है, अच्छा, एक ही बार पूरा करेगा। जैसे कि आपने 100 पेज दिया ना, तो 100 पेज प्रिंट किया तो पहले वो 50 पेज प्रिंट होगा, तो पहले 50 उसने प्रिंट कर दिए, फिर जब प्लॉट के लगाओगे तो अगेन 50 प्रिंट करेगा। तो वो जो प्रिंटिंग करता है ना सर, वो प्रिंटिंग वो मतलब कि लास्ट से स्टार्ट करता है, आप जब इसे बहुत सारे क्लिक करोगे तो पहले वो 100 टिक नहीं करेगा, पहले 1 नहीं करेगा, 100 98 97 90 क्या बोलते हैं 6 ऐसे करेगा, एक एक छोटे करेगा, जब जब वापस लाओगे तो फिर वैसे ही 190 करेगा, इस तरह से प्रिंट करेगा उल्टा करके जो लगा दोगे। समझ गया, समझ गया। तो एक काम कर, 4-5 पेज पर ट्राई करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल। तो ये आज की हमारी कोर्स थी जिसमें हमने पेज की सेटिंग के बारे में आपके साथ, प्रिंटिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी आप अपना प्रिंटिंग जॉब में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है अभी आपसे कि जो एक्सेल में यूज करता हूं ना, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। उसमें मेन्यू बार बार गायब हो जाता है, मुझे बार बार उस पर क्लिक करना पड़ता है होम पे, तब वो मेन्यू आता है, नहीं, नहीं मेनू तो बार क्या होता, मेनू बार क्या होता है कि जैसे मेनू बार दिख रहा है, अगर किसी मेनू बार पे आपने डबल क्लिक कर दिया तो हाइड हो जाता है, फिर वापस इस पे डबल क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। नहीं, ए, ए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं आपसे, 1 मिनट।